इसका पक्ष रखती हैं, आप लोग जानते होंगे इन सबको। तो एक देवस्थल है जोशी मठ, हमारी पौराणिक सभ्यता का ज्वलंत जीता जागता उदाहरण है जोशी मठ। आदि शंकराचार्य की तपस्या भूमि है जोशी मठ, और भगवान बद्रीश को सर्दियों के दिनों में यहां स्थापित किया जाता है। ऐसा जोशी मठ, उसके साथ जो पिछले दिनों में हो रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं घरों में, मंदिरों में, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी का जो ज्योति मठ है वो टूट रहा है, शिवलिंग में क्रैक्स आ गए हैं, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तमाम मंदिर टूट रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं, और जिस गति से क्रैक्स बढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या बनती है? ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। अरे साहब कमाल हो गया, संज्ञान कब लिया? जब सब कुछ ब्रेक हो गया तब ब्रेकिंग न्यूज आई कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। और संज्ञान अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो घर टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं। जीडी अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे, हमारे वक्त यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, 2010 की बात है। 600 मेगावाट का लोहारी नाग पाला एक प्रोजेक्ट था, उसके विरोध में जीडी अग्रवाल जी धरने पर बैठे, और उस धरने के बाद यूपीए सरकार ने, जयराम रमेश जी मंत्री थे जिसमें, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। भैया फोन या जो भी आप बात कर रहे हैं प्लीज थोड़ा शांति से। उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया, ये 2010 की बात है। तुलना कीजिए, वही जीडी अग्रवाल 2018 में भागीरथी नदी पर जो डैम्स बन रहे थे उसके खिलाफ धरने पर बैठे, इस सरकार ने क्या किया, उनको जबरदस्ती उठा दिया, वहां से ले गए, और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो अपने आप में एक पीड़ादायक बात है। तुलना ये दोनों सरकारों की बता रहा हूं। यूपीए हमेशा सामंजस्य की बात करती थी, सामंजस्य प्रकृति में, सामंजस्य विकास में। आज की सरकार सामंजस्य छोड़ दीजिए, लोगों की सुनना छोड़ दीजिए, विशेषज्ञों की सुनना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रवि चोपड़ा नाम के एक विशेषज्ञ का, पर्यावरणविद का, मॉनिटरिंग कमिटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। चार धाम रेलवे परियोजना में वो बार बार कहते रहे कि इतना चौड़ा मत करिए सड़कों को कि पहाड़ों का जो ढलान है वो सीधी हो जाएगी, उसके बाद चट्टाने गिरती हैं, उसके बाद पूरा वहां सामंजस्य बिगड़ जाता है और वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन जाता है। उनकी नहीं सुनी जा रही थी, उनका जमीर था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये परिस्थिति है, इस सरकार के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, और मुंह भी तभी खुलता है जब कोई ब्रेकिंग न्यूज देनी होती कि संज्ञान ले लिया। अरे आपने संज्ञान लिया, 4-5 दिन तक लगातार वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी इनका प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है, स्थिति का जायजा ले रहा है, स्थानीय लोगों की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं, और आप में से काफी चैनल्स लगातार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई दे रहा। ब्लास्टिंग हो रही थी, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनके घरों में अचानक दरारें आने लगी, फिर जाके ब्लास्टिंग रुकी, और जहां ब्लास्टिंग हो रही थी टनल एक बन रहा है एनटीपीसी का, स्थानीय लोग मानते हैं कि उस टनल की ब्लास्टिंग की वजह से आज ये स्थिति आई। जहां ये टनल में दरार आई सबसे पहली, 600 लीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते किस स्थिति में, वहां एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, और संज्ञान ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी 5 दिन बाद 4 दिन बाद 6 दिन बाद, और संज्ञान के बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम, संज्ञान ले लिया। 1976 में इसी इलाके में
लगभग ऐसी ही एक समस्या आई। कांग्रेस की सरकारें थी, जाहिर सी बात है, मिश्रा कमेटी बनी। मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहां नहीं होना चाहिए, यह बहुत नाजुक इलाका है। और अर्थक्वेक भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नंबर 5 में आता है, राइट? 5 में, सीएसमिक जोन 5 है। जोन जो है ये 5 है। तो इतना नाजुक, और उस वक्त की सरकारों ने ना केवल संज्ञान लिया और ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान नहीं दिया। मिश्रा जी जो थे, महेश मिश्रा जी संभागीय आयुक्त थे वहां के, और तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उत्तराखंड नहीं था। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाता। यहां तक कि जब जयराम रमेश जी के संज्ञान में जीडी अग्रवाल जी लाए इस मुद्दे को, वहां कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को और पावर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को, जयराम रमेश जी ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपनी टेबल पर सबसे ऊपर रखा। इन सरकारों ने मिश्रा कमेटी का नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता सकता हूं। कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं, हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है, विकास का इतिहास क्या रहा है, सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की दिक्कतें जब आई। हमारी ये मांग है, जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ कदम, ठोस कदम उठा पाएगी। और हम यह भी चाहते हैं कि जो 5,000 रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक घिनौना मजाक कर रहे हैं आप वहां के लोगों के साथ। इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द पीपल ऑफ जोशीमठ। 5,000 रुपए आप उनको मुआवजा देंगे? ये मानव रचित आपदा है, यह बात हमें स्पष्ट, इसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता। जो सुरंग है जिसकी वजह से यह मानव रचित आपदा हुई है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, और लोहारी नाग पाला और पाला मनेरी परियोजना की जो सुरंगें हैं उनको भरने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। ये परियोजनाएं हमने रोकी थी, जो मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये वही परियोजनाएं जिनको हमने रोक दिया था। सुरंगों को सिर्फ भरने का काम है वो नहीं कर पा रहे, और नई और सुरंगें खोद रहे हैं आप। जो रेलवे का कोई भी बड़ा काम इस पर्वतीय आपदा का, जिससे खतरा पैदा हो जाए, उसे वहां तुरंत बंद कर दिया जाए, गहन अध्ययन करके चरणबद्ध तरीके से ही उनको मंजूरी दी जाए। और बिना सोचे समझे जो आप प्रकृति की सुरक्षा किए बगैर एक अनियंत्रित विकास जो आप पहाड़ों में ला रहे हैं, उसको, उसका जो खामियाजा है आज तो जोशीमठ के वाशिंदे और जनता भुगत रही है, लेकिन आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में पूरा ये जो इलाका है, ये इस तरह की त्रासदियां बार बार दोहराई जाएंगी। आपको याद होगा फरवरी 2021 में 200 लोगों ने जान गंवाई थी, चमोली में एक आपदा आई थी, वो भी मानव रचित आपदा थी। मैं मेरे साथी देवेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि जो डेलीगेशन अभी, जो एक हमारी कमेटी जो यहां बनी थी पार्टी की, उस सिलसिले में आपको जरा प्रकाश डालें इस पर। नमस्कार साथियों, भाई पवन जी ने बहुत विस्तार से जोशीमठ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान खास तौर पे आध्यात्मिकता के रूप में, और जो उस स्थान की महत्ता है, उसके बारे में बहुत विस्तार से अभी चर्चा की। ये वही स्थल है जहां पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं से बद्रीनाथ की स्थापना का भी, बद्रीनाथ की स्थापना के साथ साथ अन्य जो भारतवर्ष में मठ की शुरुआत हुई, उसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं से शुरुआत की। ऐसे स्थान के साथ जिस तरीके से, असंवेदनशील तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी ओर संज्ञान ना लेते हुए उसको लगातार डेवलपमेंट के नाम पर
एक त्रासदी के रूप में जिस तरीके से ये जोशी मठ की घटना सामने आई है, मैं ऐसी सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाने के लिए मैंने ये बात रखी है। ये वो सरकार है जो धर्म की ठेकेदारी की बात हमेशा करती है, लेकिन जब जब ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी पवन जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और उस संज्ञान का नतीजा ये हुआ कि कल आनन फानन में मात्र 2 घंटे के लिए वहां के मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे और हालात ये थी 2 घंटे में उन्होंने क्या जायजा लिया, किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना व्यवहार रखा, मैं उसकी एक छोटी सी झलक आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह भट्ट, ये उनका क्षेत्र भी है। आज यहां पर हमारे राजेंद्र भंडारी जी जो कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस पार्टी से वहां के विधायक हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और वहां की समस्या से उनको अवगत कराने की कोशिश की तो उनको डिटेन कर लिया गया। हमारे पार्षद जिनके स्वयं के घर में बड़ी दरार आई उनको घर में डिटेन कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र दिखावे के लिए मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, 2 घंटे में उन्होंने अपनी पूरी विजिट को कंक्लूड किया और वहां से प्रस्थान कर गए, एक कमेटी की अनाउंसमेंट की, और मात्र इतने से मैं समझता हूं कि ये सरासर एक ऐसी घटना जो पूरे देश के लिए नहीं मानवता के लिए भी बहुत मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था और बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। मैं चर्चा भी करना चाहूंगा, एक हमारी बहन है लुंटी देवी जी, पत्नी श्री दिनेश लाल जी, इन्होंने 2021 में बाकायदा इनके घर में जब दरारें आई तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया और इसका संज्ञान वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। उस समय के मौजूदा विधायक, जैसे मैंने कहा कि जो अब हम जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं उनके सामने भी उन्होंने गुहार लगाई, सरकार के सामने गुहार लगाई। उसके बाद बहुत सारे संघर्ष समितियां बनी, उन्होंने समय समय पर सरकार के संज्ञान में ये कोशिश की कि ये बातें आए और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जिस तरीके की लापरवाही और असंवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया और किया गया, ये सरकार की हम जहां भर्त्सना करते हैं। आज मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हम हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यहां पर डेलीगेशन जाते रहे हैं और आज जब हम यहां पर बैठे हैं तो सुबह सुबह पिछले 2 दिन भी लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरीश रावत जी, हमारे सीएलपी लीडर, वहां के मौजूदा विधायक और अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, वो सभी पिछले 2 दिन से वहां पर जमे हुए हैं और उन्होंने वहां का पूरा जायजा लिया है। कुछ पिक्चर्स वहां से उन्होंने हमें यहाँ भेजी हैं, उसका अभी हम डिस्प्ले करेंगे किस तरीके की समस्या, ये एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या के रूप में अब हमारे सामने आ गया और ये समस्या अब घंटों के हिसाब से इसका इसमें बदलाव आ रहा है, घंटों के हिसाब से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि कितनी गंभीर ये समस्या अब बन चुकी है। हमने वहां पर, हमारी पार्टी ने वहां पर ये तय किया है कि वहां पर हम लगातार वहां पर बने रहेंगे। जो वहां के पीड़ित लोग हैं, जिस तरीके का व्यवहार उन लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका संज्ञान लेते हुए हमारे एक कमेटी जिसमें सुमित हरदेश जी जो हमारे हरिद्वानी के विधायक हैं,
और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वो वहां पर लगातार बने रहेंगे, जो भी समस्याएं आएंगी उनको टैकल करेंगे, जो वहां पर पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव हम कोशिश करेंगे। और इस दौरान हमारा एक सीनियर डेलीगेशन भाई करण जी के नेतृत्व में, यशपाल जी, हमारे हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोद्याल जी, ये सभी कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इससे अवगत कराएंगे और उसके पश्चात राज्यपाल महोदय से भी इस सारी बात का संज्ञान लेते हुए उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात जो अभी भाई पवन जी ने रखी उन सभी पहलुओं पर हम मजबूती के साथ वहां के लोगों के साथ खड़े हैं, यथासंभव उनकी मदद की जाएगी, उनको विस्थापित करने में हमारा फर्ज बनता है, हम उस फर्ज को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। अमरीश जी, वो वीडियो जरा एक बार कुछ आपको मैं वीडियोस दिखाना चाहता हूं। संस्कृति विद्यमान है, जय विविधता का केंद्र जोशी मठ और उसके चारों तरफ जहाँ औली जैसे विज्ञान है और द्रोणगिरी जैसे पर्वत है, हनुमान जी ने मुक्ति लेने का काम किया था। ये जोशी मठ, जय जोशी मठ में मत्स्य देव का साक्षात रूप में विद्यमान है, जहाँ बद्रीनाथ जी शेख काल में आवास करते हैं। आज वो धस रहा है, डूब रहा है, तो हम सब लोगों का आग्रह है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से संपूर्ण शक्ति लगाकर, राष्ट्रीय शक्ति लगाकर नया जोशी मठ बसाओ और पुराने जोशी मठ का उपचार करके उसको पुराने स्वरूप बनाओ। उस रास्ते में एक कर्नल एनटीपीसी भी है जिसको लेकर के लोगों को आशंका है कि इसके कारण भी बचाव का काम तेजी से हुआ है। आज 609 घर प्रशासन ने खतरनाक घोषित कर दिए हैं, 30 घर के लोगों का विस्थापन भी हो चुका है, 55,000 रुपया जो टके में नमक का काम कर रहा है अहतुक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हमने इन सब बातों को नहीं करके जहां ये कहा है कि नया जोशी मठ बसाओ, पुराने जोशी मठ का उपचार करो, वहां पर यह भी आग्रह किया है लोगों को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिससे उसमें बद्रीनाथ पर कंपनसेशन दिया जा रहा है लोगों को, विस्थापित किए जाने वाले भाई और बहनों को, उसे आधुनिक में यहाँ भी दिया जाना चाहिए, आयुक्त सहायता को बढ़ा करके 50,000 किया जाना चाहिए, लोगों के व्यवसायिक और दूसरे नुकसानों का सही आकलन करके 9,000 दिया जाना चाहिए। प्रकृतिजन आपदा के साथ साथ मानव जन्य आपदा भी है, तो ये एंटीपीसी के टनल के कारण लोग इस कलकुजल पर पहुंच गए हैं, तो वो हमारे लड़वाने का सबसे बड़ा कारण है। भारत सरकार ने अतीत में जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उत्तरकाशी में जब ऐसी स्थिति आई थी, क्योंकि आई थी तो 3 पावर प्रोजेक्ट्स को बंद किया था। लोग उसको उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि देशी मत को बचाने के लिए इस कदम को उठाया चाहिए। चार धाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम पर जो अंधाधुंध कटिंग की जा रही है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो बाईपास बनाया जा रहा है उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए, कम से कम यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो ताकि पुराने जोशी मठ को के अस्तित्व को बचाने के लिए जो कदम उठाए जाए वो कदम धरती पर सार्थक हो सके। हम सब लोग केंद्र सरकार से इस मामले में अभिनव हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हमें तकलीफ है कहते हुए कि 3 तारीख से चिंताजनक समाचार आ रहे थे, राज्य सरकार के देने में चेती और केंद्र सरकार को
अब जाकर के एक विशेषज्ञ समिति बना करके अपने कर्तव्य का गतिशील करने का काम कर रहे हैं। जबकि एक तरफ उमा भारती जैसे लोग कह रहे हैं कि मैंने इस टनल को बंद करने के आदेश दिए थे और दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी तक जो है उनकी भी दिखाई दे रही है, वे हमारे सबसे चिंता। एक और वीडियो है जो स्थानीय परिस्थिति है वो दिखाता है आपको। अमरीश ये जो देवेंद्र यादव जी और इनकी जो कमेटी वहां गई थी उसके बाद का वीडियो। अमरीश कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जब तक मरीज आप प्रोसेस कर लो जब तक मनीष जी बोल लेते हैं। हो गया कंडीशन हो गई। नर्सिंग होम का पहला ही बना है और इसमें ये हालात पैदा हुए, आप देखिए कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। ये नीचे फर्स्ट को देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज ऊपर को उठ रही है और लेकिन प्रशासन नहीं चीता। उत्तराखंड के सभी पर्यावरणविद, यहाँ के लोकल के हमारे लीडर्स, पूर्व प्रमुख जी, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य, यहाँ के बोर्ड मेंबर, ये लोग लगातार इनकी बात को खाते रहे। और इनके बाद दूसरे नंबर पर नीचे का एक वार्ड आया, उसके बाद यहाँ का अस्पताल हो उस पर दर्ज में आया लेकिन प्रशासन नहीं जागा। तत्कालिक यहाँ के विधायक भट्ट जी जो इस समय वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो इस बात पर नहीं चेते, ना ही उन्होंने सरकार पर दबाव डालने का काम किया। जहां एक और जयराम रमेश जी और उस तात्कालिक हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने अनेकों ऐसी योजनाओं को जैसे एनटीपीसी की योजना चल उनको रोकने का काम किया लोगों के हित में। लेकिन आज दुर्भाग्य है और आज भी अभी उनका ये कहना हमारे साथी है जिनका ये आवास है और इन लोगों ने ये हमारी बहन का मकान है जो एक साल से गुहार लगा रही कि हमारे साथ न्याय हो। आज आदरणीय यशपाल आर्या जी हमारे बीच में है, मैं स्वयं हूँ, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ है, यहाँ के हमारे पूर्व विधायक हमारे केदारनाथ के आदरणीय मनोज रावत जी हमारे बीच में है, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जो है मुकेश जी यहाँ है, पूर्व अध्यक्ष तुकदार साहब हमारे बीच में और सभी सारी साथी हमारे साथ यहाँ पर हैं। और आज जब इन्होंने बताया कि ऊपर चलिए जहाँ सबसे पहले शुरुआत की थी, अब यहाँ आए हैं, आज प्रशासन लोगों को कई की सभी बातें कर रहा, धमकाने की बातें हो रही है, लोगों से कहा जा रहा है एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से दिक्कत नहीं आए, जेपी के प्रोजेक्ट की वजह से दिक्कत नहीं आए और लोगों में दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ चेतावनी के रूप में कि आज बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाना चाहिए और उस मुआवजे के तहत लोगों को राहत मिले, लोगों के घर ही नहीं टूटे हैं। यहाँ जो हम बार बार रिवर्स पलायन करने की बात करते थे, हम कहते हैं नौजवानों से वापस आओ पलायन रोको, लेकिन जिन नौजवानों ने मैं मनीष पुरी जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको अंग्रेजी में भी कुछ बोलें क्योंकि मेरे से शिकायत सबको हो रही है आजकल AICC में कि हिंदी पे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो हमारे दक्षिण भारतीय जो लोग हैं यहाँ वो मुझसे थोड़े नाराज हो गए आजकल। चलिए कोशिश करते हैं कि नाराजगी थोड़ी कम करें। माय नेम इज मनीष खंडूरी एंड आई हैव द ब्रीफ बैकग्राउंड इज आई हैव कंटेस्टेड फॉर द लोकसभा फॉर द कांग्रेस पार्टी इन 2019। वेरी क्विकली, जोशीमठ इज द फॉन्ट इन अ वे ऑफ इंडियन एंड हिंदू कल्चर। इट्स द प्लेस वेयर नियर बाय लॉर्ड हनुमान केम टू पिक अप कलेक्ट संजीवनी बूटी। इट्स ऑल्सो एज माई कलीग्स हैव सेड द मठ, वन ऑफ द मठ्स दैट इज एसोसिएटेड बद्रीनाथ। आई थिंक if you take a look at this, if you take a look at the historical background, if you take a look at the current perspective, development has happened over a period of time and the challenges we face have been over a period of time. But I am sorry to say that the response of the BJP government over the last few years has been lacking, shoddy and hollow. The first time that this started, this current round of incidents started, was in November of 2021, where the cracks first started to develop. We made a representation, an independent representation to the BJP government in
2021 and 22, and our what we are saying is, after that representation was made by an independent committee, these recommendations were ignored. The second thing I want to say is, we've gone from the past. Now, if you'll take a look at what happened in Reni, I want to remind you, in February of 2021, that was another disaster that happened not more than 20, 30 kilometers away from Joshimath. So the impact is well known. The problems are well known. And then if you go from the past and if you come to the present, I think the main challenges have been that the response of the Honorable Chief Minister has been lacking and very shoddy. Our demand was, what we expect of a chief minister stature individual is that he goes there and he camps there in a disaster of this nature. But unfortunately, he came for a very brief time, behaved in a very perfunctory manner, and that 5,000 rupees compensation that they announced is frankly an insult. Looking forward to the future, I think we have our demands which have been made very clear. We want this to be made a national disaster zone. That's the first thing. The second thing is, we want a comprehensive plan for Joshimath as a whole. If that involves the shifting of all of those people to your new site, our ex-Chief Minister Harish Rajji has also said, so be it. But I think if you take a look at the development issues of Joshimath, it is not the only place. I just want to warn you that this is going to be happening in Karnaprayag, in Gopeshwar, in Pori. There are a lot of other sites. So a comprehensive policy needs to be designed for the hills, and we need to do it right away and right now. Thank you. Sujata ji. नमस्कार साथियों, मैं सुजाता पॉल हूं, उत्तराखंड से आई हूं, और आप सबके माध्यम से इस सरकार से निवेदन भी करने आई हूं, आग्रह करने आई हूं, और उनसे डिमांड भी करने आई हूं कि हमारी तरफ देखें। हम छोटा सा राज्य हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो केदार बाबा में बड़ा विश्वास रखते हैं, तो आज जब ये आपदा की स्थिति हमारे यहाँ आई है उसके कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये बहुत कमजोर पहाड़ हैं। इनकी उम्र बहुत कम होने के कारण इन्हें माना गया है कि ये शिव की जटाएं होती हैं जो आपकी जो मिट्टी है उसको बांध के रखती है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। मगर आपको बता दूं कि चार धाम रूट को लेकर या रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें केंद्र के द्वारा करी गई हैं, उनके कारण आज उत्तराखंड इस स्थिति में पहुंच गया है। और अगर चार धाम रूट में कोई गड़बड़ नहीं होती साथियों, तो आज चार धाम रूट जो बद्रीनाथ तक जा रहा है, वहां पे हेलंग मारवाड़ी बाईपास में जो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है उनको रोकने की मांग नहीं उठ रही होती। एक टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन एनटीपीसी के उस टनल में फंसी हुई है, जिसको निकालने के लिए इन्होंने 200 से 250 विस्फोट किए 3 जनवरी 2023 को। और जब ये विस्फोट होने शुरू हुए तो दरारें अचानक से आई। आपको बताना चाहती हूं कि लोग घरों के बाहर आ गए, और जब उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया तब ये ब्लास्टिंग बंद करी गई। ब्लास्टिंग बंद होते ही जिस तरीके से वो दरार एकदम दर दरा के बढ़ रही थी, वो कुछ हल्का हुआ लेकिन वो धीरे धीरे अब बढ़ ही रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हिमालय रेंज है क्या। ये हमें उस बर्फीली हवा से भी बचाती है जो नॉर्थ पोल से रशिया के चाइना के रास्ते से हम तक भी पहुंच सकती है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि पहाड़ों को इसलिए काटा जा रहा है ताकि चीन से हम मुकाबला कर सके, दिस डजंट होल्ड वाटर एट ऑल। इसलिए क्योंकि वो जो पहाड़ है, जैसा कि पवन जी आपने बताया अभी, वो ऐसे हैं, जब आप उन्हें काट देंगे तो उनका ग्रेडियंट ऐसा हो जाएगी, यानी कि वो खड़ी चढ़ाई हो जाएगी, और आप जानते हैं अगर मिट्टी कम है तो लैंडस्लाइड और बढ़ जाएगी। जो पहले ही लैंडस्लाइड के ऊपर, जो पहले ही ग्लेशियल डेब्री के ऊपर पहाड़ हैं, अगर आप उनके साथ छेड़खानी करते हैं तो आपदा की स्थिति मानव रचित, भाजपा रचित हो जाती है। और ये मोदी जी को समझना चाहिए, इस वक्त लोगों की जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी बार बार कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तो प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया एक संघीय ढांचे पे, मुख्यमंत्री किस बात का? और इसीलिए राजनीतिक कारण देखिए, 3 मुख्यमंत्री दिए थे पिछली बार, और वही वाले मुख्यमंत्री जो हार गए
उनको दोबारा से इलेक्शन लड़वा के जितवा के मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आप मुझे बताइए कि क्या उनके अंदर हिम्मत होगी कि प्रधानमंत्री को ये कह सके कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के सारे पहाड़ों को काटा जा रहा है, केंद्र की सरकार काट रही है, राज्य की सरकार परमिशन दे रही है, हिल कटिंग के कई मैटर्स पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के समक्ष। आपको बताना चाहती हूँ कि जिस जगह को भारत का पहला बायोस्फीयर, इको बायोस्फीयर डिक्लेयर किया था जयराम रमेश जी ने अपने पर्यावरण मंत्री होने के कार्यकाल के दौरान, वहां पर काट पीट कर जंगलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। आप इस बात को अगर इस तौर पे समझेंगे कि जो जैव विविधता है उसकी हत्या हो रही है, मगर साथ में आज जोशीमठ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर आप जोशीमठ जाते हैं तो आपको लगता है कि एक तरफ आप वैली ऑफ फ्लावर्स में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मगर आज वहां का कल्प वृक्ष, 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था, वो भी फट चुका है। तो केवल ज्योतिर्मठ नहीं, वो कल्प वृक्ष जो आपकी और मेरी धरोहर है वो भी फट रहा है। क्या इन्हें बचाने की जरूरत नहीं है? इसे नेशनल डिजास्टर के रूप में डिक्लेयर करें तुरंत प्रधानमंत्री जी, और ये भी मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि वो 3 तारीख से 5 तारीख तक क्या कर रहे थे। 3 तारीख को दरारें बढ़ी, 5 तारीख को SDM के निर्देश आए कि ब्लास्टिंग को रोक दिया जाना चाहिए, सारे कार्य बंद होने चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 जनवरी को पहुंचे जोशीमठ। क्या 3 तारीख से 7 तारीख लगने चाहिए थे? क्या वहां के लोगों के दर्द को वो नहीं समझ सक रहे? पहाड़ हमारे, जोशीमठ हमारा, लोग हमारे, और मुख्यमंत्री इसका संज्ञान स्वयं नहीं ले सकते? संज्ञान कोई लेता है तो प्रधानमंत्री जी, उसके बाद वो निर्देशित करेंगे? ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। इसलिए अब ये देखना होगा कि जो जोशीमठ संघर्ष समिति वहां के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी क्या मांगे हैं। पहली मांग उनकी है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो चार धाम वेदर रोड का हिस्सा है उसको बंद करा जाए, उसमें कार्य दोबारा ना शुरू किया जाए। दूसरा, जो टनल है NTPC का उसमें कोई विस्फोटकों का अब इस्तेमाल ना हो, उस कार्य को बंद कर दिया जाए। तीसरा, जो बीमा इनको मिलना चाहिए था वहां के लोगों को, जो ओरिजिनल अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि जो लोग हैं अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो उनका बीमा करा जाएगा, वो अब तक नहीं हुआ, उस बीमा को करा जाना चाहिए। संघर्ष समिति और जो बाकी लोग हैं जोशीमठ के, उनको एक समन्वय समिति का हिस्सा बनाकर, एक समिति बनाकर मुख्यमंत्री से वार्ता भी करी जाए, PMO से वार्ता करी जाए, ताकि नुकसान का जायजा लोगों को साथ लेकर करा जाए। ये लोकतंत्र है, इसमें तंत्र नहीं, जन ही आगे रहेगा, और ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। तो हमारी जो मांगे हैं उनका, उनकी तरफ ध्यान देते हुए मैं उम्मीद कर रही हूं कि जैसा कि अभी पवन खेड़ा जी ने भी कहा कि इसमें नेशनल डिजास्टर इसको इसलिए डिक्लेयर करना चाहिए क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम इस डिजास्टर को हैंडल कर सके। इसलिए आज हम सब भी आपके सामने हैं, आप लोगों की मदद के बिना जोशीमठ के लोगों की आवाज नहीं उठेगी। उनकी आवाज आप लोग आज उठा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आज आई हूँ। धन्यवाद। ये हमने अपनी प्रेस वार्ता में, मैंने भी, देवेंद्र जी ने भी, और अभी सुजाता जी भी बता रही थी आपको कि बिना विशेषज्ञों की सलाह लिए, बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए इस तरह की तमाम परियोजनाओं को आपको अभी रोकना पड़ेगा। बिना मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अच्छी तरह समझे, उसका अध्ययन किए, ये तो ऐसी सरकार है जैसा कि अभी आपको बताया कि रवि चोपड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो विशेषज्ञ थे, पर्यावरणविद थे। तो आप पर्यावरणविदों की, विशेषज्ञों की सलाह तो लीजिए। उनकी अभी रास्ते में, अभी सुजाता जी बता रही थी कि पद्मश्री हैं लोग,
इसी सरकार ने पद्मश्री दिया है, इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते, या तो भय है। तो विशेषज्ञों को आप डरा के रखोगे, उनकी आप सलाह नहीं लोगे, सलाह देंगे तो उनको आप अनसुना कर दोगे, और अपने हिसाब से बिना सामंजस्य बनाए अगर आप ये प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे तो इस तरह की त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। The provision in any context, any provision is for the people of that area or who are affected by that context. I think people first should be not just a slogan but a statement of intent. If you consider people as your first priority, everything else follows. कोई और सवाल इस पे जोशीमठ पे? ठीक है, बोलिए आप। सबको अधिकार है अपने नेता या अपने स्वयं के विषय में कोई महत्वाकांक्षा रखें और उस महत्वाकांक्षा को बताएं, सार्वजनिक करें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई पीएम बनने का एक अधिकार सिर्फ एक ही बादशाह सलामत के पास तो नहीं है ना, जो आजकल अपने आप को बादशाह सलामत मानते हैं। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, देवेंद्र जी ने भी बताया आपको, जो इनकी कमिटी है वो कमिटी भी अनुशंसा कर रही है। पुराना जोशीमठ बचाओ, नया जोशीमठ बसाओ। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए तुरंत प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाकर, उसमें देर भी नहीं लगती, उनको वहां स्थापित करो। 5,000 रुपए आप देकर आप सोचते हैं आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये जो हमारे संज्ञान में ये मुद्दा आया था 2021 में आया था, उसके बाद स्थानीय लोग, हमारी पार्टी, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जागृत रहा, आवाज उठाते रहे। जो सो रहे थे वो आपके सामने हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देवेंद्र जी, मैंने स्पष्ट किया कि पिछले कई समय से हमारे डिफरेंट डेलीगेशंस वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां के लोगों की जो बातें हैं उनको सुना है, अभी जानने की कोशिश की है, और एक स्थायी कमेटी अभी हम फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमारे माननीय मनीष जी भी, वहां के स्थानीय हमारे जो एमएलए हैं वो रहेंगे, और कुछ जियोलॉजिस्ट को भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। जैसे वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब हम पूरे विस्तार से इस बारे में आपको अवगत करा पाएंगे। अभी तक जो सामने आया है वहां की वस्तुस्थिति बहुत खराब है, लोग बहुत परेशान हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी वहां पर ये है कि किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सके, और ये जो इमीडिएट क्या रिलीफ लोगों को दिया जा सकता है, जिसके तहत हमने अभी मांग की है कि एनडीसी में, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों की ये बात है, उनको लगता है कि जो कंट्रोल्ड एक कंडीशंस में ब्लास्ट होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, उसके ट्रेमर्स वहां तक जोशीमठ तक महसूस किए जा रहे हैं। तो लिहाजा एक इनिशियल जो एक लेमैन की तरह से देखा जाए तो उसका मुख्य कारण निश्चित ही ये टनल्स की जो लगातार बनाई जा रही है वो मुख्य कारण सामने आया है। लेकिन विस्तृत रिपोर्ट जब आएगी तो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।